राम राम दोस्तों, पंचभूत योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। हमारे पास एक कटोरी अभी देखिए अजवाइन रखी हुई है, छोटी और देसी अजवाइन रखी हुई है, हाइब्रिड की नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये छोटी अजवाइन है, इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर आप इसको सही तरीके से प्रयोग कर लेते हैं तो आपका गठिया, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पेट की दिक्कत, पित्त की समस्या, वायु विकार, गैस और एसिडिटी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति कहता है कि जी मैं अजवाइन का तो प्रयोग करता हूँ लेकिन मेरी समस्या क्यों नहीं ठीक होती है। तो कारण क्या है कि इसका सबसे ज्यादा गलत प्रयोग होता है। अब गलत प्रयोग कैसे होता है हम आपको बताते हैं। अजवाइन को सही प्रयोग करने का तरीका क्या है, दिन में अजवाइन क्या करती है, पित्त का नाश करती है। जो हमारे शरीर में पित्त बनता है, जो एसिड बनता है, उसको खत्म करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। लेकिन अगर अजवाइन का प्रयोग आपने रात्रि में कर लिया तो यही अजवाइन आपके लिए नुकसानदेह है, ये पित्त को बढ़ा देगी। अब यही बात लोग नहीं समझ पाते। जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है, लोग बताते हैं कि आप अजवाइन का काढ़ा ले लीजिए, तो लोगों को समय नहीं मिला सुबह तो उन्होंने रात्रि में ले लिया। अब जब रात्रि में लेंगे तो पित्त को बढ़ा देगा ना कि कम करेगा, तो पहली चीज। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि सुबह भी अजवाइन डाल दिया, दोपहर में भी डाल दिया, शाम में भी डाल दिया, मतलब अगर डाला तो फिर रोटी में भी, सब्जी में भी, दाल में भी बहुत सारी अजवाइन डाल दी। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? अजवाइन लेने का सही तरीका देखिए है कि दोपहर के भोजन में जब आप चौंक लगाते हैं तब आप एक चम्मच अजवाइन को डाल दें, ठीक है। जितने भी हिसाब से बनाते हैं, अगर आप एक लोग का खाना बनाते हैं तो आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर दीजिए, अगर आप तीन चार लोगों का खाना बनाते हैं तो एक चम्मच अजवाइन कम से कम जरूर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल लोगों को दर्द होता रहता है, कभी घुटनों का दर्द हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, कमर दर्द हो गया, गैस एसिडिटी परेशान करने लग जाती है, जब ये अजवाइन आपके भोजन के साथ आपके शरीर में जाएगी तो आपको इन समस्याओं से राहत मिल जाएगी। फिर दूसरी बात आती है कि गलत प्रयोग जब रात्रि में करते हैं तो ये जो समस्याएं हमने आपको बताई कि ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, यही समस्याएं ठीक विपरीत बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आप रात्रि में प्रयोग करेंगे ना तो पित्त आपका बढ़ जाएगा। तो प्रयास करिए अजवाइन का प्रयोग रात्रि में ना करें, सुबह के समय ही करें और सब्जी या अपने रोटी में डाल करके करें। ज्यादा ऑयली चीजों के साथ, जैसे कई बार होता है कि पराठे बनाए, अब पराठे में खूब सारा ऑयल है, बटर है, घी है और उसके साथ भी अजवाइन को आपने ऐड कर दिया। अब अजवाइन क्या होता है, आधा चम्मच एक पराठे में चली गई, फिर आधा दूसरे में, किसी व्यक्ति ने तीन पराठे खाए तो डेढ़ चम्मच अजवाइन हो गई। अब होता क्या है कि ये डेढ़ चम्मच अजवाइन गर्म भी करेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी कितनी क्वांटिटी, अगर एक व्यक्ति एक दिन में खाना चाहिए उसको आधा चम्मच, अगर चार पांच व्यक्ति खाते हैं तो एक चम्मच इनफ होगा आपके पूरे खाने के लिए। और प्रयास करें कि आप दोपहर में ही इसका प्रयोग करें ना कि रात्रि में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद।